आखिर किसने रची सी गुरपतवंत सिंह पन्नू नू मारन दी साजिश। कौन है भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता जिसनू 30 जून नू कीता गया सी गिरफ्तार। निखिल गुप्ता ते लगे ने गुरपतवंत सिंह पन्नू नू मारन दी साजिश रचन दे इल्जाम। भारत एक अधिकारी दी शमूलियत भी आई सामने। सिक्स फॉर जस्टिस दे प्रमुख अते खालिस्तान दी मंग करन वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू नू मारन दी साजिश रची गई सी ते अजिहा खुलासा होया है न्यूयॉर्क पुलिस दी चार्जशीट तो। दस दिए कि एक फाइनैंशियल टाइम्स दी रिपोर्ट छपी सी जिस तो बाद एक खुलासा होया है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू नू मारन दी साजिश रची गई सी ते इल्जाम इह ने कि इस दे विच एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता दा हत्थ है ते नाल ही एक भारतीय अधिकारी दा वी हद दस्या जा रहा है। दूजे पासे इस मामले के सामने आने तो बाद भारत सरकार दे वल्लों विदेश मंत्रालय दे वल्लों एक हाई लैवल कमेटी का गठन कर दिता गया है। दस दी कि गुरपतवंत सिंह पन्नू नू मारन की साजिश रचन के मामले दे विच निखिल गुप्ता नू गिरफ्तार किया गया है ते न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक निखिल गुप्ता नू भारत सरकार के एक अधिकारी ने अजिहा करन नू कहा सी। हालांकि चार्जशीट के भारतीय अधिकारी का नाम तो सामने नहीं आया पर उसनू सीसी वन के नाम तो संबोधित किया गया है। चार्जशीट के मुताबिक सीसी वन भारत सरकार की एक एजेंसी का कर्मचारी है जो खुद नू सीनियर फील्ड अफसर दसदा सी। दसदी कि विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन अरिदम बागची ने कहा है कि भारत सरकार की पॉलिसी के यह खिलाफ है ते जेकर पन्नू की हत्या के मामले की कोशिश के भारतीय अधिकारी शामिल है तो इसकी जांच की जा रही है ते हाई लैवल कमेटी बनाई गई है अते यह बेहद चिंता का विषय है। Cannot share anything further. We made it very clear. As regards the legal case which you are basing, we have said that the individual filed in the US court. It is allegedly linking that person with the Indian official. That is a matter of concern. We have said, and as I said, that is not government policy. And there is high level inquiry. And we've also talked about the, as you mentioned, nexus between organized crime, drug trafficking, gun running, and extremists. That's something that needs to be investigated. I think this high level committee is precisely constituted for that, looking at all aspects. And let's wait for its results and we'll take it forward. The America de Department of Justice de mutabak Nikhil Gupta de vallo ik apradhi naal contact kita gaya, sampark kita gaya te us nu Gurpatwant Singh Pannu nu maran layi keha gaya. Gurpatwant Singh Pannu nu maran layi 83 lakh rupaye di deal kiti gayi si. Par jis apradhi de naal Nikhil Gupta de vallo sampark kita gaya oh pehla to hi Ameriki agent si ate jis karke is saazish da पर्दाफाश हो गया अते गुरपतवंत सिंह पन्नू नू मारन दी साजिश नू अमरीका दे वल्लों नाकाम कर दिता गया। दस दिए कि जिन्हां दिनां दे विच भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे ते सन उन्हां दिनां दे विच ही गुरपतवंत सिंह पन्नू नू मारन दा प्लैन सी। दूजे पासे भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि चिंता का विषय है ते इस मामले की जांच लई हाई लैवल कमेटी का गठन कर दिता गया है अते जांच तो बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। तुहाडे याद होवे इस तो पहला कैनेडा ते भारत के संबंध भी खराब हो गए सन जदों कैनेडा ने भारत ते इल्जाम लाया सी कि खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले दे विच भारत दीआं एजेंसियां दा हत्थ सी ते हुण अमेरिका दे वल्लों भी यही इल्जाम लाया गया है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू नू मारन की साजिश पिछे भारत का हत्थ है। हालांकि विदेश मंत्रालय के वलों इस ते चिंता जताई गई है ते कहा गया है कि असीं इसकी जांच करांगे। यही नहीं अमरीका के जस्टिस डिपार्टमेंट के वलों यह भी कहा गया है कि यही लोग से जोड़े हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले के भी इनवॉल्व से। तो दस दिए कि अमरीकी जस्टिस डिपार्टमेंट के वलों कहा गया है कि भारत बैठे एक अधिकारी सीसी वन के कहने पर निखिल गुप्ता ने एक किलर की तलाश शुरू की ते तलाश के निखिल नू एक अजिहा व्यक्ति मिलया जिसका अपराधियों के नाल बैठना उठना सी पर जिस व्यक्ति नू निखिल गुप्ता नू मिलवाया गया वह पहला ही अमेरिकन एजेंसियों का सोर्स सी अते हिटमैन अमेरिकन एजेंसियों का एक अंडरकवर अफसर सी अते उसनू गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए 1 लाख अमरीकी डालर यानी कि 83 लाख रुपए देन की गल हुई सी। अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार चैक रिपब्लिक तो 30 जून 2023 निखिल गुप्ता गिरफ़्तार कर लिया गया सी।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨikhil ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨikhil ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।